चैट जीपीटी इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में यह आज हर किसी के जुबा पर है और आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, भले ही अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हों। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग गूगल पर चैट जीपीटी क्या है लिखकर सर्च कर रहे हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी चैट जीपीटी के बारे में जानने चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं चैट जीपीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। इसे डेवलप करने वाले कंपनी का नाम ओपन एआई है और चैट जीपीटी एक तरह का चैटबॉट है और यह एक ऐसा बॉट है जो यूजर द्वारा पूछे गए सवाल को पूरी तरीके से समझकर उसके सामने जवाब रख देता है। अब आप चैट जीपीटी के बारे में जान गए हैं, लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि गूगल और चैट जीपीटी में अंतर क्या है और यह किस प्रकार से अलग है। तो दोस्तों, गूगल और चैट जीपीटी के बीच का अंतर की बात करें तो गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। यह यूजर के सर्च करने पर रिजल्ट के लिंक उनके सामने रख देता है। वहीं चैट जीपीटी यूजर के पूछे गए सवाल का जवाब एआई के माध्यम से तैयार कर टेक्स्ट फॉर्म में उसके सामने रख देता है। चैट जीपीटी से कोई भी सवाल किया जा सकता है और वह हर सवाल का जवाब देता है। एआई प्रोग्राम चैट जीपीटी यूजर से पूछता है कि वह दी गई जानकारी से संतुष्ट है या नहीं। यदि आप नहीं का चयन करते हैं तो चैट जीपीटी अपनी डेटा में बदलाव कर नया डेटा देता है और यह बार बार अपने रिजल्ट में परिवर्तन करता रहता है, जब तक कि यूजर की ओर से दी गई जानकारी संतुष्ट न हो जाए। इतना कुछ जानने के बाद आप यह भी जान लीजिए कि चैट जीपीटी की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से चैट जीपीटी की शुरुआत साल 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर की थी। तब यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, लेकिन साल 2017 और 18 के दौरान एलन मस्क इससे अलग हो गए। एलन मस्क के इस प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने इसमें बड़ा निवेश किया और कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को इसे प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च कर दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि ओपन एआई के चीफ सैम ऑल्टमैन ही हैं। अब आपको बता दें कि चैट जीपीटी यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चैट जीपीटी की आधिकारिक वेबसाइट chatopenai.com है। कंपनी अभी तक चैट जीपीटी का उपयोग करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं ले रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह दी हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और यदि आप चैट जीपीटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।